किलोमीटर का बाप। और उसके लिए मसाले में हमें चाहिए नमक, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ गर्म मसाला। और कीमा मैंने ले लिया, उसे मैंने मशीन पर पिसवा लिया, अच्छे से वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, और ये जो मसाले थे जो मैंने आपको बताया सारे, इसमें ऐड कर देंगे सारे स्पाइस। ऐसे ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूँगी जो चार मसाले जो मैंने बताया था कि मेरी सास ने बनाए हैं, बहुत ही अच्छे खुशबूदार और मज़ेदार होता है ये 2 टेबल स्पून ये चार मसाले मैं डालूँगी। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर आप शेयर करेंगे। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच आटा, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि सारा मसाला, अच्छा जी, इसको इतना मिक्स करेंगे कि हम सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा जो ये बिल्कुल कीमा जो दिख रहा है अलग कलर का, सारे कलर का हो जाएगा। इसमें फिर हम ऐड कर देंगे 1 अदद प्याज और बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी शेप दे सकते हैं, कोई सा भी शेप आप दे सकते हैं। तो मैंने तो नॉर्मली कबाब का शेप दिया है, ठीक है। और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल फ्लेम में हमें शैलो फ्राई कर लेना है, और काफ़ी वेरी अच्छी थी मेरे कबाब में, तो उससे ज़्यादा फोर्स आते हैं हम नहीं फ्राई कर सकते क्योंकि ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। ये फ्राई होकर मैंने इसको साइड में कर लिया है, और मैंने चूल्हे पर जला दी है रोटी, मतलब पराठा स्टाइल मैदे और वाइट आटे की। और ये हमारा फाइनल लुक।